नमस्कार दर्शक बंधु, खाना गरमागरम को आपण समस्त बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ। आज मुझे तैयारी करके देखी आंबूल राई आउ जमीती कि आपण मैंने देखिपे यहाँ पूरा क्रीमी है कि बढ़िया देखा जा देखा खावाक बढ़िया लगी था टी खटा मीठा आउ चटपटा लगिकी आंबूल राई खावाक बहुत भल लगी था। ताहले एबे आसंतु आमे रोसी आरंभ करिबा। तो एही रेसिपीटा करिबा पाई प्रथमे आमको दरकार आंबूल। तो गोटे पात्र रे मु एही आंबूल सब को देखी एथिरे एबे पूरा गरम हेथिबा पानी को दे दोची। गरम पानी देले आमरो आंबूलटा टिके बत्री जाईकी नरम ही आसीबो। नरम होबा पाई एटा को एबे मु अर्ध घंटा पर्यंत कभर करिकी रखी दोची। तो एबे एटा टिके समय पर्यंत एमिती ही कभर एकी थाउ। आउ ता भितर देखंतु मु एठारे नेची गोटे नडिया। पूरा नडियाटा को मु पकी बिनी राईरे अल्प नडिया पड़िबो। तो याकु प्रथमे फाळ कर देकी यार जो ए छोटिया फाळडी बाहरिला याकु नेके एबे करि देबे। एतिके आमर पाखापाखि प्राय पांच रु छ चमच नड़िया करा हबो। तो एटा कर सारिला परे मु एठारे नेची गोटे कप दही। दहीटा आमर आदो खट्टा नुहे पूरा फ्रेश दही मु एठारे यूज करिची। तो एही गोटे कप दही रो मु एबे तीन चमच दही एही मिक्सी जार दे दोची। गोटे मसला बटा जेहेतु मु एठारे तयारी करूची सेथि पई दही दे सारिला परे मु एथिरे पकाउची डेढ़ चमच धळा सरिष। एटा जदि नथिबो आपण माने चाहिले आमर जो नॉर्मल सरिष थाए सेथिर मध्य पकाई पारिबे। तो गोटे कंचा लंका को दे सारिकि मु एथिरे जो नडिया करा सब करिकि रखिथिलि से सब को दे दोची। आउ ता परे मु एथिरे दे दोची चार चम्मच चीनी। मीठा को आपण माने एठारे निज टेस्ट अनुसार कम बेसी करिकि पकेबे। सब जिनिस पकाई सारिला परे देखंतु याको ग्राइंड करिकि पूरा प्लेन करिकि मु एठारे बाटी देछि। टिके पानी पकईकि मु एही मसला बटाटा देखंतु एही परि भाबरे टिके बढ़िया रखिकि बनेछि। तो एटा इसरिला परे मु एठारे नेछि दही। जो दही को मु प्रथमे नेइथिलि तो से सबु को एथिरे पकि सारिला परे स्वाद अनुसार लुण पकईकि याकु प्रथमे भल भाबरे फेंटि दबा। एमिती फेंटी देले दहीटा आमर पूरा प्लेन हो जीव। आउ तापर जाइकि मुझे पकई देवी तैयारी करथिबा मसला बटा सबको याकु दे सारिकि वर्तमान मुटा को भल भाव प्रथम मिसई देवी। पानी एथिरे आदो भी पकेबानी काहेकि ना जेहेतु एटा टिके बढ़िया कि बनब। तो एटा को मिसई सरला परे आमे जो आंबूल सबको अर्ध घंटा पर्यंत बतरेकि रखिथिले एबे देखंतु सेटा केमिति टिके फुली जाइकि नरम हो आसिलानी। बतरी गला परे एही आंबूल सबको एबे छाणी देकी गोटे प्लेट रखिदेवि। खाइबा को टिके खट्टा मीठा आउ चटपटा लगिकि एटा बहुत ही बढ़िया लगी थाए। थरे एटा को निश्चय ट्राए करिकि देखंतु। आदो बेसी समय लगिबनी बहुत कम समय भितर एटा बनिकि रेडी हे जिवो। छाणी देकि एबे एही आंबूल सबको आमे जो दहीटा को मिक्स करिकि रखिथिले सेथिरे सब दे दोची। आउ ता परे एटा को भल भाबरे मिसै देकि अल्प समय पर्यंत कभर करके रखिदेवि। एमिती करिले आमर जो आंबूलर टेस्ट थाए सेटा दही रे भल भाव मिसी पार। मिसई देकि वर्तमान मुटा को 10 मिनिट पर्यंत एमिती ही छाड़देवि। आउ तापर जाकि एथिरे बाकी सब जिनिस पकेबा आरंभ करिबा। किछि समय परे एबे 10 मिनिट हो गलानी ताहले मु एथिरे पकई दोची भजा होइथिबा जीरा गुंड हाफ चम्मच। जीरा गुंड पकईकि एटा को मिसी सरिला परे मु एथिरे 1/3 चम्मच अदा चीचा पकईकि भल भाबरे आउ थरे मिसी दोची। भजा होइथिबा जीरा गुंडटा पकईले बहुत बढ़िया टेस्ट आसीथाय। तो मिसी सरिला परे मु एथिरे एबे छुंक दे देबे। सेथिपाई गैस ऑन करके गोटे तड़का पेन रे अल्प तेल दे सर पंच फुटण पकई दौची। आउ फुटण फुटिगले 2 पिंच हिंगु पकईकि 3 टी सुखिला लंका आउ किछि भृसंग पत्र देकि एटा को अल्प समय भाजिदेवि। देखंतु एबे एटा हेगला ताहले एही छुंक को नेकि आमे आंबूल राई रे पकई दबा। दर्शक बंधु देखिले केते सहजरे आमर एही चटपटा आंबूलर राई बनिकी रेडी हेगला। शेषरे गार्निशिंग पई मुई उपरे आउ थरे टिके पकई दउची भजा होइथिबा जीरा गुंड।
घरे थरे एही आंबुल राईर रेसीपी को निहाती ट्राए करके देखंतु बहुत बढ़िया लगिथाय खाइबा को आउ खाई सरिला पारे केमिति लागिला मते कमेंट सेक्शन में निश्चय जणांतु। जदि आपण माननको आजिर मोर एही रेसीपी पसंद आसिला ताले वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु आउ खाना गरमा गरम को सब्सक्राइब कर दे पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करबा को आदो भूलंतुनी। ताले पूर्णी करे मु आपण माननको पई मो नेक्स्ट वीडियो रे आहुरी बहुत सारा नुआ नुआ रेसीपी नै के आसीबी। तो से पर्यंत रहुची, नमस्कार।